तो ये जुपिटर लॉन्च हो गया है, तो इसमें हम अब हमें नया कोड लिखना है। तो नया कोड लिखने के लिए यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, पाइथन 3 वाली एक फाइल पे क्लिक कर देंगे, तो एक यहाँ नई ब्लैंक फाइल खुल जाएगी। यहाँ से इस फाइल का कुछ भी नाम ले सकते हैं, जैसे कि मैं नाम दे देता हूँ पाइथन बेसिक्स। अब जो अपना पाइथन होता है ना, पाइथन अपना होता है बेस्ड ऑन इंडेंटेशन। कुछ भी आप लिखते हैं इसमें ना, जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ अलग अलग जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें अलग अलग तरीके के सिंटेक्स चलते हैं। कहीं पर सेमी कॉलन से क्लोज करना होता है, कहीं पर अगर आपने कुछ कोई चीज ओपन की है क्लोज करना होता है, इस तरीके से। तो इसमें ना सब कुछ इंडेंटेशन के बेसिस पे होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक्सेप्शन लगाई, रिकॉर्डिंग आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है ना उसकी? ऑन है, ऑन करता हूँ। ठीक है, ओके। सपोज मैंने कोई इफ कंडीशन लगाई, तो इफ कंडीशन में इफ ए लेस देन बी, तो अब जो मैं लिखूंगा ना वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर में आएगा, यानी इंडेंट होके आएगा खुद से, टैब सेपरेटेड, टैब से ऑटोमेटिकली वो सेट होके आएगा। ओके। और जब आपको इसे एग्जिट करना है, इसे बाहर आना है, तो आप ऐसे करके आएंगे। तो मतलब ये इस तरीके से इंडेंट बेस होती है, इसमें कोई ओपन ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, दूसरा, इसमें अगर हमें कमेंट बनाना है, तो कमेंट बनाने के लिए हम हैश का यूज करते हैं। ठीक है। तो अब जैसे कि मैं बात कर रहा था इंडेंटेशन, और कमेंट बनाने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के ऊपर वाला जो फॉरवर्ड स्लैश वाला साइन होता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाले को। हाँ, इफ 5 लेस देन 2, ये इसका सिंटेक्स भी है। तब भी हम कोई भी ये ओपन स्टार्ट करते हैं, इफ कंडीशन है, फॉर लूप है, या कोई हम फंक्शन बनाते हैं, फिर कॉलन से यहाँ पे कंडीशन देने के बाद फिर एंटर करेंगे। ये प्रिंट फंक्शन होता है कुछ भी मैसेज प्रिंट कराने के लिए, ओके। और रन करने के लिए यहाँ पर रन कमांड होती है। तो ये किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, इफ कंडीशन है, इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 ग्रेटर देन 2 है, तो ये कंडीशन जब ट्रू हो गई है तो उस केस में ये वाला मैसेज प्रिंट हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये मैसेज यहाँ पर प्रिंट नहीं होता। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो ये इंडेंटेशन बेस्ड हो गया, कमेंट मैंने बता दिया कैसे बनाते हैं इसमें। अब स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स। क्योंकि अब जैसे हमने यहाँ पे 5 लेस देन 2 लिया है, अब हमें क्या है, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, या कुछ भी चीज़ हमें स्टोर करनी है, उस पर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिल्कुल। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल एक तरीके से कंटेनर का काम करते हैं। तो वेरिएबल जैसे मान लिया एक्स इक्वल टू 5। हाँ, एक चीज और, ये जो पाइथन है ना, ये वो होती है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, जिस तरीके से आप वेरिएबल का नाम दे रहे हो आपको उसी तरीके से यूज करना पड़ेगा, यानी केस सेंसिटिव। अच्छा, ओके। हाँ, शेष केस जैसे सेंसिटिव। बताता है ना, हाँ शेष के तरीके से ना, शेष हाँ की तो कैसे सेंसिटिव था। अगर आपने x इक्वल टू 5 लिया है और x इक्वल टू 10 लिया है, ये दोनों अलग अलग बात है। ये नहीं है कि x में 5 भी है, x में 10 भी है, वो x अलग है, ये x अलग है। ठीक है।
जैसे कि ये वेरिएबल, अब जिस टाइप की वैल्यू हम उस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल उस टाइप का बन जाएगा। जैसे कि ये इंटीजर की वैल्यू है, अगर मैं यहाँ से चेक करूँ टाइप ऑफ एक्स, तो एक काम करते हैं इसको ना, मैं इसको तो देखो, ये मैंने इसमें 10 डाला था, 10 डालने के बाद ये जब मैं इसमें चेक करता हूँ कि इसने टाइप किया है, तो इन टाइप का एक्स जो वेरिएबल है वो इन टाइप का बना। यहीं पे अगर मैं 10.5 कर दूँ तो ये फ्लोट टाइप का हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि जिस तरह की वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर हो रही है वो हाँ ऑटोमेटिकली उस टाइप से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। पाइथन के अंदर तो किसी भी, अब इसमें जरूरी नहीं है ये एक्स जैसे अभी वेरिएबल है, इंटीजर है, फ्लोट है, कोई ऑब्जेक्ट भी होगा ना, तो भी हम उसका पता इसी से लगाएंगे टाइप, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। जैसे कि इसमें लिस्ट भी होती है, डेटा फ्रेम भी होता है, डिक्शनरी भी होती है, तो टाइप से ही हम पता कर सकते हैं किस टाइप का वेरिएबल है। हाँ ठीक है। अब क्या होता है इसमें हम पासिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा बना दो, वेरिएबल का जो नेम होगा ना हमेशा इस तरीके से शुरू होगा कि आप उसको एक्स स्पेस वाई इक्वल टू ऐसे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेस आ गया है। आप इसमें अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, 1 2 3 से शुरू नहीं कर सकते वेरिएबल का नेम कोई भी। तो इस तरीके की चीजें अच्छा हमें ध्यान रखनी पड़ती है। ओके नेम नेम होना चाहिए, बाद में आप नंबर यूज कर सकते हो, स्पेस वगैरह नहीं दे सकते, उसमें आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। ठीक है। फिर एक चीज होती है, जैसे मैंने लिया एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 20। अब देखो इसमें दो तरीके से वैल्यू डली हुई है, एक्स में इंटीजर वैल्यू है, वाई में टाइप ऑफ वाई, वाई में स्ट्रिंग वैल्यू है। तो ये स्ट्रिंग वैल्यू अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ प्रिंट एक्स प्लस वाई, और एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू, तो मैं यहाँ एक्स प्लस वाई करना चाहता हूँ, बट ये करने देगा नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू इंटीरियर में है, एक स्ट्रिंग में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें ने टाइप कन्वर्ट स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट वैल्यू। किया। हाँ, टेक्स्ट वैल्यू डबल कोट्स में आ गया। अच्छा ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी हमारे आगे सामने आती हैं। तो जब इस तरीके से आता है तो हम ना उसको क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि 20 वैल्यू तो एक तरीके से इंटीजर ही है, लेकिन हाँ एज ए स्ट्रिंग पास हो रहा है, उसको बोलते हैं टाइप कन्वर्ट। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट कन्वर्ट कर सकते हैं इंट वाई। तो इस केस में क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, कैन ओनली कॉन्टेक्ट तो ये यहाँ पे प्लस हो गया, 30 एक्स प्लस इंट में कन्वर्ट हो गया, यानी वाई जो पहले स्ट्रिंग था वो कन्वर्ट हो गया इसमें। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो प्रिंट एक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एस टी आर में, और इसके साथ प्लस कर सकते हैं वाई को। तो इसका क्या आउटपुट होगा, तो 10 और 20 दोनों वैल्यू स्ट्रिंग बन गई यहाँ पे। 10 और 20 को उसने प्लस कर दिया एज ए स्ट्रिंग, मतलब पहले 10 दे दिया उसके बाद 20 दे दिया, यहाँ पे जेनेरिक वैल्यू को प्लस किया, इसलिए हमने दोनों को कन्वर्ट किया था इंट में। ये तो पहले से इंट था, यहाँ पे हाँ इंट कन्वर्ट। इस तरीके से हम टाइप कन्वर्जन करते ठीक है। ये नया नीचे इसको क्या बोलते हैं जिसमें आप कोड टाइप करो, पैनल या कुछ और? हैं। क्या ये,
हाँ बॉक्स को क्या बोलते हैं जिसमें आप कोड टाइप कर रहे हो। ये वाला बॉक्स हाँ एक रो है। अच्छा, तो आप जैसे ही रन कर रहे हो तो नया अपने आप से रो रो बन रही है नीचे है, यहाँ पे सो बना रहे हो कैसे। नहीं यहाँ पे आप उठा नहीं सकते हो, अच्छा, जितनी मर्जी उम्र से कर सकते हो। ठीक है और ठीक है। इस पे एक्चुअली जुपिटर में कोड लिखने का फायदा क्या होता है, लेकिन एक चीज हाँ होती है स्कोप, मैं वो आगे बताऊंगा। स्कोप जो होता है अच्छा होता है, अगर आपने कोई यहाँ पे वेरिएबल लिया है, या यहाँ पे कोई आपने, मान लो मैंने यहाँ पे लिया है एक स्ट्रिंग, ये मैंने रन कर दिया। अब इस str1 को ना मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, विदाउट अच्छा डिफाइनिंग आ जाएगा। दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा से यूज कर सकता हूँ। पर कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो हमने कोई कोड लिखा फर्स्ट लाइन में, यहाँ से यहाँ तक कोई कोड लिखा, इस कोड में किसी वजह से एरर आ गया, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए ना बैक कोड यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो मान लो आपका इतना कोड रन हो गया, अच्छा, तो तो आपका रन कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस चीज का एक फायदा होता है। अब यू आर मैं सेइंग इसको कि हम एग्जांपल लोग बता रहा हूँ कैसे। हम इसको पार्ट्स में, मतलब इसमें पार्ट्स में हम कोड को रन करके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि मेरे पास कोई एक CSV की फाइल है जिसमें 10 लाख रोज है, मैंने वो यहाँ पे रीड कर ली, उसमें बाई चांस कोई एरर आ गया फाइल रीड करने के बाद, कोड वेयर लिखा हुआ उसमें एरर आ गया। एरर आने के बाद मैंने दोबारा से टेस्ट कर लिया, तो फिर से 10 लाख की रोज को रीड करने में काफी टाइम लगा। हाँ तो कोड बिल्कुल, अगर रन हमारा फाइल में रहा तो इस बार से हमारे पास काफी अमाउंट ऑफ कोड रीड करने का है। अच्छा, वो भी ओके, मैं ठीक जब करेंगे ना वो CSV वगैरह का काम, ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे। ठीक है, ओके। हाँ तो कास्टिंग समझ गए हम, कास्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल नेम्स मैंने बता दिए किस तरीके से आप दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएबल के स्कोप के बारे में। तो वेरिएबल स्कोप क्या होता है, जैसे कि मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ, दिल्ली लाइक में मैंने यहाँ रहता पे दिया एक्स इक्वल टू ऑसम, और मैंने यहाँ पे यूज किया एक फंक्शन में आया यहाँ पर देखो। तो मैंने क्या किया, एक्स के अंदर एक वैल्यू दी है औसम, अच्छा और फिर एक फंक्शन बनाया उसके अंदर, फिर से एक एक्स लिया उसके अंदर वैल्यू दिया सिंटैक्स की, और मैंने यहाँ पे प्रिंट लगा दिया पाइथन इज एक्स। तो बताओ एक्स के अंदर क्या वैल्यू आनी चाहिए। ये फंक्शन के अंदर वाली वैल्यू प्रिंट होगी। फंक्शन के अंदर वाली प्रिंट होगी क्योंकि हम यहाँ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ये वाला जो एक्स है ये इनसाइड एक्स वाली की वैल्यू को कॉल करेगा, लेकिन अगर हम यहीं पे एक प्रिंट फंक्शन लगाते हैं, यहाँ पे यही वाला फंक्शन यहाँ लगा दें, तो ये क्या प्रिंट करेगा। तो इसे बाहर वाला करना चाहिए। हाँ तो इसको रन करके देखते हैं एक बार। अच्छा फन बनाया यहाँ पे। तो ये होता है वेरिएबल स्कोप। देखो जब फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया गया है तो उसने एक्स की वैल्यू ये पिक की है, और जब इसको कॉल किया गया है एक्स की वैल्यू ये पिक हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब हम यहाँ पे हमने एक्स डिफाइन किया था, तो यहाँ पे जो एक्स वेरिएबल है वो एज ए ग्लोबल वेरिएबल बन गया है, जो कि यहाँ पे पूरे प्रोग्राम में एक्स काम करेगा।
लेकिन जैसे ही हम किसी के इनसाइड में जाएंगे, जैसे कि माई फंक्शन के अंदर हम जा रहे हैं, यहाँ पे हम वैल्यू डिफाइन करी है वेरिएबल की, तो ये होता है लोकल वेरिएबल। ये वेरिएबल तब तक काम करेगा तब तक इसका स्कोप है माई फंक्शन का, यहाँ तक। जैसे इसका स्कोप खत्म, ये वेरिएबल हिल गई खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा मेमोरी से। ये वाला वेरिएबल तब तक बना रहेगा तब तक ये पूरा प्रोग्राम रन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के स्कोप्स होते हैं, ठीक है। अब पाइथन के अंदर क्या होते हैं, नेक्स्ट होते हैं कुछ डेटा टाइप्स। जैसे अब हम अभी स्ट्रिंग इंट वगैरह पढ़ रहे थे ना, उसी तरीके से डेटा टाइप होते हैं, कई तरह के डेटा टाइप होते हैं, स्ट्रिंग हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, रेंज हो गया, डिक्शनरी हो गया, बुलियन वैल्यू हो गया। ये तो समझते हो ना, स्ट्रिंग तो समझते हो वैसे, डबल कोट्स करने होते हैं। इंट में जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, हाँ इंटीजर वैल्यूज हो गए, फ्लोट में जो पॉइंट में वैल्यू होती है, अच्छा ओके, लिस्ट जो होता है, लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज लाइक एरे की तरह हम एक लिस्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें क्या करती है, वो हमें सेव करती है। मान लो हमें 10 वेरिएबल यूज करने थे, 10 वेरिएबल की जगह यूज करने की हमने लिस्ट यूज कर लिया, उसके अंदर 10 वेरिएबल वैल्यू डिफाइन कर दी। हाँ तो इससे हमारा मेमोरी में स्पेस भी सेव होता है, यहाँ पर ठीक है। जैसे लिस्ट होती है ऐसी टपल होती है, टपल में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कि लिस्ट में हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, टपल में नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत अच्छा ओके। डिक्शनरी होती है, जैसे अपना टेबल का डेटा होता है ना रो और कॉलम के बेसिस पे, इसके अंदर वैल्यू होता है की एंड की एंड वैल्यू के बेसिस में जो पेयर बनाते हैं, लाइक जेसोन, जेसोन में जो काम होता है वो कुछ कुछ इस तरीके से ही होता है। जेसोन नहीं पता मुझे, कोई नहीं आगे बताएंगे, जेसोन आएगा। अच्छा अच्छा ठीक। बुलियन वैल्यू होती है ट्रू फॉल्स, कई बार हमें जरूरत पड़ती है ट्रू फॉल्स की, ठीक तो है। जैसे कि हमने यहाँ पे भी लिया था, हाँ हम यहाँ पे इफ कंडीशन दे रहे थे, तो इफ पाइप लेस देन टू, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये वाली चीज प्रिंट होगी। लेकिन अगर मैं ये तो बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूँ ना इफ, एक तरीके से मैं बुलियन यहाँ पे चेक लगा, तो जब भी चलेगा ये कंडीशन ट्रू ही रहेगी, हमेशा पाइप यहाँ पे चाहे मैं कुछ भी लिखूँ, क्यों, क्योंकि वैल्यू ट्रू है। हाँ तो ये बुलियन वैल्यू होती है, इनकी जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। आगे बात करते हैं फिर स्लाइसिंग की। अब जैसे हमने यहीं पे करी थी, यहाँ पे ये होगा स्ट्रिंग वन इसी को हम यूज करने वाले हैं एक बार, अच्छा। तो स्ट्रिंग वन के अंदर अभी क्या वैल्यू है, आई एम लर्निंग फाइव। हां अब क्या होता है, स्ट्रिंग में स्लाइसिंग होती है, मतलब हम स्ट्रिंग को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो हमें पिक करना है वो पिक कर सकते हैं। तो पाइथन जो है वो स्ट्रिंग को भी एज ए एरे सेव करता है, एज ए एरे कह सकते हैं, एरे नहीं बोल सकते इसको, एज ए एरे कह सकते हैं। तो हर जो भी इसमें कैरेक्टर आ रहा है ना वो एक इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर होता है, जैसे आई है उसकी एक इंडेक्स वैल्यू होगी, इसकी अलग होगी, AMT अलग है। तो इसमें स्लाइसिंग क्या होती है, हम इस तरीके से स्लाइसिंग कर सकते हैं, जैसे कि मुझे str1 का सिर्फ पहला कैरेक्टर चाहिए, मैंने यहाँ पे दिया str1 0, अभी मैं यहाँ पे कमेंट करूँ तो आई आ गया यहाँ पे,
ठीक है। हाँ अच्छा इसको नीचे करते हैं ना, ऊपर नहीं स्टिक हाँ है। अब देखो जब मैंने str1 में से 0 लिया है, ये i यहाँ पे आ गया, i इसने रिटर्न कर दिया। इसी तरीके से 0 1 चाहिए, पहले कैरेक्टर पे स्पेस आ रहा है दिखेगा नहीं हमें, वो आ गया है। 2 चाहिए वो आ जाएगा। ओके मल्टीपल चाहिए, मुझे चाहिए लाइक 0 से लेकर के 3 तक चाहिए, तो ये हमेशा क्या करेगा, हमें देगा यहाँ पे नंबर को छोड़ देता है, यहाँ पे -1 चलता है। स्ट्रिंग में लो लूप वगैरह में रेंज वगैरह बनाते हैं तब भी है, तो ये वाले की ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 जो भी लास्ट नंबर के जाए। तो अब देखो 0 1 2, 0 1 2, तो इसने 3 कैरेक्टर दे दिए। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं लास्ट के 3 कैरेक्टर दे दो, मतलब स्टार्टिंग में बता नहीं रहा, और मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 3 करेक्टर दे दो, स्टार्ट से शुरू से एक एक कॉलन करेक्टर। 3 लिख दिया है, इससे लास्ट 3 दे देगा। हाँ कॉलन के बाद जितने भी नंबर डालोगे उतने दे देगा ये। हाँ लाइक मैंने अगर डाल दिया तो स्टार्टिंग के 10 करेक्टर, क्योंकि हम यहाँ स्टार्ट नहीं दे रहे हैं, हम कहते हैं डिफॉल्ट यहाँ पे 0 जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि हमने लास्ट कोई वैल्यू नहीं दी, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं फिर 5 से स्टार्ट होते हैं आगे। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? अच्छा, और लास्ट कितने देने हैं उसके बाद, है ना? हाँ मतलब लास्ट में कुछ कोई दे नहीं, सब कुछ उठा के दे दे देगा। नहीं रहे तो पूरा दे देगा वो, अगर हाँ कुछ डिफाइन कर देंगे तो उतने देगा एग्जैक्ट। हाँ अब लाइक मैंने 5 से 7 रख लिया, तो हाँ सिर्फ ये दो एल ई कैरेक्टर रहे हैं, 5 से 7। और राइट से उठाने हो तो। राइट से उठाने हो तो आप यहाँ पे माइनस में दे दो, माइनस से 4। अच्छा माइनस कर देंगे, माइनस से फोर लिया है। कैसे लिया ये माइनस से फोर? -4 पीछे के लास्ट के 4 माइनस कर दिए। हाँ बाकी सब दे दिया है। तो मतलब -3 लास्ट से, हम जब यहाँ पे दे रहे थे 3, तो ये स्टार्टिंग से 0 है, अब हमने दे दिया 3, मतलब 3 से स्टार्ट करेगा, तो 0 1 2 3 M से स्टार्ट करेगा और 1 से ठीक है। ठीक है। लेकिन जैसे हमने माइनस किया तो जो स्टार्टिंग होगी ना यहाँ से स्टार्टिंग होगी, तो हम कह रहे हैं -3, तो यानी 3 कैरेक्टर से स्टार्ट करके दे दो। मैं कहता हूँ -10, लास्ट फिर 10 दे दे, इस तरीके से ये बोल सकते हैं। यहाँ पे हम माइनस बोल रहे हैं -4, तो ये हम कह रहे हैं 3 से स्टार्टिंग से स्टार्ट दे दो, तो मतलब एक तरीके से अपोजिट हो गया, जो हम पहले दे रहे थे। नहीं लास्ट के 4 छोड़ के बाकी का दे दो। बाकी सारा दिया ना। तो कहने का मतलब है स्ट्रिंग में, अच्छा ये मैंने ना यहाँ बार बार हटा दिया है, इसको क्या करता हूँ ना मैं सारे को शुरू करता हूँ। इस तरीके से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। कई बार काम आती है, जैसे हमारे पास डेट है ना, अच्छा ओके, उसको ब्रेक करने के लिए। हाँ इस तरीके से होता है, टेक्स्ट में आ गया। अब आप कह रहे हो यार मेरे को तो डेट चाहिए, तो सिंपल है, जब ये टेक्स्ट में स्ट्रिंग है ही, तो टेक्स्ट में ना हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, एचटीआर लगा सकते हो। ये पहले से अगर है टेक्स्ट में,
तो आप सीधा करो डेट वन, यहाँ पे आप क्लिक करो 0:10, 0 से 10 तक इसको पहले करना होगा। अब हम इसको करेंगे तो 1 मार्च 2022 यहाँ पे हमें ले रहा। तो बस वन टाइम आपने इस बार ये क्या भी किया और आपको मतलब शॉर्ट डेट में सीधा यूज कर लो। ठीक है, तो तो इस तरीके से स्लाइसिंग काफी मतलब अच्छी चीज है। अब इसी तरीके से स्ट्रिंग के अंदर कुछ फंक्शन होते हैं लाइक अपर जैसे अपर फंक्शन हो गए पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए अपर। तो जैसे स्ट्रिंग थी अपनी क्या थी str1, ये पूरा पूरा स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है इसी लोअर भी होता है। प्रॉपर भी होता क्या इधर रवि? प्रॉपर तो नहीं होता इसको शायद टाइटल बोलते हैं। अच्छा ये हो गया ना वो ही हो गया प्रॉपर ये एक तरीके हाँ। और इसमें क्या होता है ना आप इसको मल्टीपल मेथड भी कॉल कर सकते हो जैसे स्ट्रिंग वन डॉट अपर कर दिया मैंने अपर के बाद यहाँ पे डॉट लोअर और लोअर के बाद डॉट उसको टाइटल कर दिया। तो जब हम इस तरीके से मल्टीपल एक ही स्ट्रिंग पे एक ही मल्टीपल मेथड यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं मेथड चेनिंग। अब इसमें क्या होता है जैसे कि हमने जो स्ट्रिंग देता रहा वो इसमें पास लोअर कर देगा फिर जो अच्छा स्ट्रिंग पास होगी लोअर वाली उसको नॉर्मल टाइटल में। तो अगर मैं इसको एक्सचेंज करूंगा फाइनल आंसर तो मेरा यही आएगा जो नीचे आ रहा है। लेकिन इस तरीके से मल्टीपल यूज कर सकते हैं। ये ऐसा इसका यूज क्या है ऐसे किस कंडीशन में यूज होता है हाँ ऐसे? ऐसा इस कंडीशन में यूज होता है। ये मैं बता रहा हूँ कि आप जरूरी नहीं है कि यही वाले फंक्शन यूज करोगे मल्टीपल फंक्शन यूज कर सकते हैं। अभी क्या है ओके मान लो आपको ये इसका इस पे एग्जांपल तो देना ठीक नहीं है। जैसे कि मैं बताऊँ क्या करना है लाइक str1.replace मुझे रिप्लेस कराना है कुछ क्या है आई एम लर्निंग बाय। तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ लर्निंग मैं इसको कह रहा हूँ रिप्लेस कर दो ब्लैंक चलो यही रन कर लर्निंग इसने फाइंड नहीं किया क्योंकि मैंने एल कैपिटल में दे दिया क्योंकि केस सेंसिटिव है तो जैसा है वैसे कर ठीक है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ अब यहाँ पे भी डॉट रिप्लेस करो डेटा क्लीनिंग के भी काम आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो अब इसका जो आउटपुट होगा ना वो अब इसके आउटपुट पे काम होगा या मैं यहाँ पे रिप्लेस ना बोल करके मैं इसको बोलूँ डॉट अपर तो मैं मल्टीपल यूज कर रहा हूँ ना यहाँ पे ठीक है तो ये कन्वर्ट हो गया ना अपर। या फिर मैं यहाँ पे एक और रिप्लेस लगा दूँ इस बार मुझे क्या करना है रिप्लेस जो डबल स्पेस आ रहा है वहां पे मुझे क्या करना है मुझे ये डालना है स्पेस रह गया। तो एक तरीके से एक वेरिएबल पे मैंने मल्टीपल फंक्शन लगा दिए। अब ये मल्टीपल फंक्शन सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है इस तरीके से। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता है एक फंक्शन यहाँ पे लिखा फिर इसको एक वेरिएबल में स्टोर करूँ फिर एक और फंक्शन फिर एक और फिर लगाऊँ तो उससे क्या होगा ना कोड बढ़ता चला जाएगा। तो ये हेल्प करता है मेथड चेनिंग जो है हेल्प करता है कोड रिड्यूस करने में और एक ही लाइन में काम हो जाता
ठीक है। अच्छी तरीके से इसमें कुछ स्प्लिट फंक्शन भी होता है। ओके चलो स्प्लिट बना देता हूँ, काम भी चाहिए। एसटीआर रन डॉट स्प्लिट, मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ स्पेस के साथ। हाँ तो ये देखो स्प्लिट हो गया। हम बोलते हैं ना पहले ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम जो यूज करते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम वाला। यस तो यहाँ पे अब जैसे मैंने यहाँ कुछ नहीं दिया, ये सब भी कुछ किया था, तो जो डिफॉल्ट होता है पहले मैंने ये किया होता। अच्छा अब मैं इसको बोलता हूँ कि मैं आई से रन करता हूँ, आई से स्प्लिट करता हूँ। इसी तरीके से स्प्लिट भी कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं कि हम बताएं कि कौन गेट भी है। रिप्लेस मैंने बता दिया, एक होता है स्ट्रिप। अब स्ट्रिप में एल होता है और आर स्ट्रिप, ये होता है जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, आगे पीछे जो आ जाते हैं। हाँ जैसे हम उसमें करते हैं कई बार, जैसे आपने क्या किया ये जैसे रिप्लेस वाला काम किया। अब जैसे मैं यहाँ रिप्लेस कर रहा था, यहाँ पे डबल स्पेस रह गया। हाँ अब इस स्पेस को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज कर सकते थे, यहाँ पे स्किप यूज कर सकते। अब यहाँ पे कोई उठा लो, तो यहाँ पे मैं रिप्लेस ना करने की बजाय, अब जैसे मैंने ये किया ठीक, इसमें देखो यहाँ पे डबल स्पेस आ रहा है। मैं स्ट्रिप काम करता है जो स्टार्टिंग और एंड के जो एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं बीच वाले स्पेस में नहीं काम। अच्छा अच्छा तो इसमें हम ये कर सकते हैं जैसे लर्निंग को हमने ये किया और यहाँ पे हम प्लस कर देते तब जैसे लास्ट में स्पेस आ गया ना एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे ड्रैग करके स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। तो ये स्क्रिप्ट क्या करेगा, स्टार्टिंग में और एंड में दोनों तरीके से जो स्पेस आ रहा होगा उसको हटा देगा। अच्छा इसका मतलब ये स्पेस नहीं है, इसको रिमूव नहीं कर रहा, एक मिनट कर लिया तो भी देख लेते हैं। मैंने इसको ये एज ए स्पेस नहीं दे रहा, इसको ये स्ट्रिप नहीं करना है, तो मैं ये कर सकता हूँ। तो उसके लिए उसका तरीका ही हमारे पास रिप्लेस है, यहाँ पे डबल स्पेस सिंगल स्पेस पे काम करो, ये कम हो गया। डिपेंड करता है मतलब तो ये काम के सबसे मेन चीज था इसमें स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के बाद अपना अपर लोअर नॉर्मल सी बात है, स्ट्रिप रिप्लेस स्प्लिट और कॉन्केट। इसके अंदर और भी होते हैं, वो हम जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे यूज कर लेंगे। ठीक है ठीक ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज काम की होती है, एक स्ट्रिंग को फॉर्मेट। अच्छा एक चीज सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये इसका इसका लिटरेचर का गूगल पे किसी साइट पर पढ़ा होगा ना, लाइक ये जितने भी इसके अंदर कितने स्ट्रिंग्स बहुत हैं।
फंक्शन पाइथन स्ट्रिंग जैसे फंक्शन। ऐसे डॉट कॉम करके ना, ई डॉट कॉम कुछ करके, तो ऐसे इसकी कोई साइट है क्या मतलब आपके W3 स्कूल है एसक्यूएल की तो? हाँ एसक्यूएल के लिए बहुत सारी है, आपको मिल जाएगी। आप गूगल में डाल दे आ जाता है पाइथन स्ट्रिंग फंक्शन, ये सारे फंक्शन दिखा रहे हैं, लो पहले ही आ गया डब्ल्यू। अच्छा इसी पे मिल जाएगा, चलो ये ठीक है। कैपिटलाइज स्पेस होल्ड सेंटर काउंट एंड एक्सपेंड फाइल सब कुछ है, सब कुछ ठीक है दे तो रखते हैं प्रो। ठीक है और सही बताऊं ना, आप अभी कितने भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, जब तक आपकी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी तब तक वो चीजें लर्निंग में नहीं आती हैं। अब जैसे ये तो है ही, कितना कुछ सीखा था वो सब चीजें थोड़ा याद है, जो काम कर रहे हैं बस वही याद रहेंगे। वही याद रहता है ना, वही मैं कहता हूँ जैसे आप मैंने जो चीजें पता इन चीजों के आप उसके बाद नई चीज जब आपको रिक्वायरमेंट आएगी, जब आप अपना कोड लिखोगे तब आपको लर्न करना सब जाने की जगह। अभी क्या होगा ना, अभी आप बहुत सारी चीजें लर्न करने की कोशिश करोगे, टाइम ज्यादा लगेगा, तो क्या होगा आप ज्यादा टाइम लगा के ज्यादा चीजों को लर्न करने की कोशिश करोगे। तो मेरा कहना है कि कम टाइम लगा के आप जो चीजें बताई गई हैं मतलब ज्यादा टाइम लगा के उन्हीं चीजों को बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी चीजें तो बहुत सारी हैं इसमें। हाँ पाइथन वॉस तो है ही। अच्छा इसमें एक वो भी है, काउंट भी है। अच्छा डायरेक्ट ऐसे नहीं लगेगा, काउंट करके फंक्शन होता तो लेंथ ऑफ एसटीआर हां ये लेंथ में ये लेंथ जैसे कई बार हमें लूपिंग करनी है ना, मान लो लूपिंग करनी है फॉर आई इन रेंज 0 से स्टार्ट करके, लेकिन कहाँ तक जाना नहीं पता, यहाँ पे लेंथ ऑफ टी आर 1 ऐसे करके दे सकते हैं, वो लेंथ वाला वहाँ पे काम है। ठीक है अब नेक्स्ट पे चलते हैं, पाइथन ऑपरेटर्स पे। ओके ऑपरेटर समझते हो, थोड़ा सा डिस्क्राइब करो। हाँ तो क्या होते हैं, जैसे कि किसी भी दो वेरिएबल पे ऑपरेशन, जैसे कि हमने यहाँ पे प्लस किया प्लस किया था एक ऑपरेशन किया था एक्चुअल वाई, उसको फाइनल रिजल्ट हमें सम मिला। तो ये क्या है, जो ये है ये ऑपरेशन होते हैं, और ऑपरेशन क्या हुआ ये हमारा प्लस वाला जो है ऑपरेटर, ठीक है। तो अब जो ऑपरेटर होते हैं हमारे पाइथन के अंदर 6-7 तरीके के होते हैं। ओके हम इसमें जो ज्यादातर यूज करते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। बाकी दो ऑपरेटर जो हैं वो हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर, तो वो जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे मैं बता दूंगा। अभी के लिए हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन डबल मल्टीप्लाई, जो हम पावर की बात करते हैं जैसे 2 की पावर 8, तो ध्यान से हम ऐसे लिख सकते 2 की पावर 8, तो ये इस तरीके से होता है। एक होता है डिवाइड, एक ये वाला होता है, एक होता है इंटीजर डिवीजन, एक होता है फ्लोट वाला डिवीजन। इसके अंदर हमें एक में हमें वो मिलता है क्या बोलते हैं डिवीजन, डिवाइड करने में 3 चीजें होती हैं, एक जिससे हम डिवाइड करते हैं, एक हम जिसको डिवाइड करते हैं, एक जो रिमाइंडर बच जाता है। अच्छा अच्छा हाँ, तो वो इस तरीके से कई सारे ऑपरेटर हैं उसमें हम यूज कर सकते हैं। अभी आगे बताते हैं
आपके फ्रैंकलिन के अंदर, फिर होता है असाइनमेंट ओपन। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिया था x इक्वल टू 10.5, तो इसका क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब क्या है बताओगे? कि x के अंदर आपने 10.5 को स्टोर करा है। हाँ, तो मैंने क्या किया है, 10.5 को असाइन कर दिया x के साथ। ठीक है, असाइन किससे होता है, इक्वल टू साइन से। असाइनमेंट के मतलब होता है इक्वल टू ही होता है, सिर्फ इक्वल। अच्छा, हाँ, ये एक्चुअल में बता रहा हूँ, ये इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, मतलब ये ऐसी नॉर्मल सी चीज है कि आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे हम फर्स्ट वाले एग्जांपल फाइव को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये सारे आते हैं कंपैरिजन, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। फिर आते हैं लॉजिकल। अच्छा, इसमें नॉट के लिए इसमें क्या यूज करते हैं, नॉट इक्वल टू। अच्छा, ये भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों ही करते हैं, एक्सेल वाले MySQL वाले दोनों चलते हैं। फिर होते हैं लॉजिकल। लॉजिकल में एक तो एंड होता है और होता है इस तरीके से, ये होता है इसी से अपना, ठीक है, इसी में जैसे इसको हम इस तरीके से करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसमें ये भी एक तरीके से और होता है और ठीक है। अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है ना, अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब मेजर कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि आगे जो प्रोग्राम वगैरह बनते हैं सब इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है, आपको ये चीज आनी चाहिए और आपको लगाना चाहिए, बस इसी के कॉम्बिनेशन से आप बड़े बड़े प्रोग्राम वगैरह। तो अब हम सीखते हैं एक नया, जो हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे वो होता है लिस्ट। तो हम लिस्ट में क्या बोल रहे थे, लिस्ट क्या होता है, लिस्ट होता है जब हमें ज्यादा वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में हम मल्टीपल वेरिएबल में बना करके एक लिस्ट बना लेते हैं, उस लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज को हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि ना कि मेक माय ट्रिप में जब आप कोई मेल भेजेंगे, कोड तुम्हें दूंगा, तो आप मेल भेजोगे ना, तो मेल भेजने के लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के लिए ना आपको कोड के अंदर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है। हाँ, तो उसके लिए कई बार क्या होता है, जैसे मुझे भी अब जरूरत पड़ती है, लोग मुझसे कोड मांग लेते हैं, जैसे मैंने ना एक कोड बनाया हुआ है आपके रिसोर्सेज करके, वो है resources.mm.com, ओके, उसके अंदर ना होटल के रेट आते हैं, किस किस सप्लायर पे क्या क्या रेट। अच्छा, तो अगर कोई इसको मैन्युअली करने बैठे, मान लिया किसी ने 500 होटल दिए, 500 होटल के रेट निकालने, एक एक करके जाके उसमें क्या करना पड़ेगा, होटल आईडी डालना पड़ेगा, होटल का नेम, कितने पैक्स के लिए करना है, कितने नाइट्स के लिए करना है, कौन से सिस्टम में करना है, डेस्कटॉप पे करना है, जमा हंडेज पे करना है, इस तरीके से। उसके बाद रेट आएंगे, उनको कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट करना पड़ेगा, तो ये बहुत लंबा टास्क हो जाता है। उसके लिए ना मैं वो भी सिखाऊंगा, सेलेनियम में कोड लिखा हुआ है, सेलेनियम भी सिखाऊंगा मैं इसमें। तो वो क्या करता है ना, वो ये सारा काम खुद से करता रहता है। ओके, अब जब टीम में पता चला, तो टीम में लोगों को पता चला, तो उन्होंने बोला कि आप कोड दे दे,
तो कोड में वही आईडी पासवर्ड लॉगिन करना पड़ता है, तो आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, आईडी पासवर्ड नहीं डाला तो एक ठीक दो है। बार ना कोड मैंने एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया उसमें अंदर आईडी पासवर्ड। ओके तो अब उसको सॉल्व करने के लिए कुछ टाइम बाद मैंने क्या किया, मैंने एक फाइल बनाई, सीएसवी फाइल, ठीक है। उसके अंदर एक फॉर्म बनाया आईडी का, हाँ यहाँ पे आईडी डाल दी, कोमा करके यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, ये फाइल मेरी सेव है, इस फाइल को मैंने छेड़ता हूँ, इस फाइल को मैं जब छेड़ता हूँ जब मेरा पासवर्ड, तो अब इस फाइल को क्या करता हूँ मैं, जब भी मुझे अपना आईडी पासवर्ड यूज करना पड़ता है तो मैं इसको सीएसवी को रीड करता हूँ, सीएसवी, और उसमें पहले कॉलम पहली वैल्यू तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आईडी पास आईडी आईडी वाला कॉल किया, अब जहाँ पे मुझे यहाँ नाम दिया मुझे ईमेल, तो यहाँ पे आईडी यूज किया, यहाँ पे पासवर्ड यूज किया, बस यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा कि वो वहाँ से इस तरीके से अपना लॉगिन हो, उसमें अगर मैं किसी को शेयर करूँगा तो मेरा आईडी। So, यहाँ पर वो एज अ पैरामीटर आपसे जब रन करोगे तो वो आईडी पासवर्ड मांगेगा ऐसे? हाँ, आईडी पासवर्ड मांगता नहीं है, मतलब आप उस तरीके से बना सकते हैं कि मांगेगा, बट आप जो मेल भेजोगे, मान लो आपका ये पूरा कोड लिखा है, ठीक है, आप मेल भेजना चाहते जो मेरा फाइनल आउटपुट आया उसको मैं यहाँ पे मेल में भेज, जब भी आप पार्टी के थ्रू इस तरीके से अपने मेल बॉक्स से मेल नहीं भेज रहे, तो आपने उस CSV में सभी के आईडी पासवर्ड नोट किए हुए हैं ऐसे? अच्छा, वो आईडी पासवर्ड यहाँ लिखने की जगह आपने उसमें लिख दिया तो किसी को दिखेंगे नहीं, वो वहाँ से पिक कर लेगा, राइट? ऐसे ना? नहीं, नाउ गॉट इट, कि वो आईडी पासवर्ड आप कोड में लिखोगे तो सबको विजिबल होंगे, आपने CSV में डाल दिए तो किसी को विजिबल नहीं होगा, वो यहाँ से डायरेक्ट। दूसरा, मान लो आपने 10 कोड लिखे, 10 के 10 कोड में आपने आईडी पासवर्ड अब हर 3 महीने पे क्या होता है, आईडी पासवर्ड चेंज करना, बिल्कुल हां, पासवर्ड चेंज हो जाएगा, कोड ओपन करोगे सिर्फ कोड में जाके चेंज करोगे, हां, इससे क्या बेनिफिट होगा, एक फाइल ओपन करो पासवर्ड चेंज करो, हां, तो ये फायदा है, ठीक है। तो इसी चीज को हम एक तरीके से हम यहाँ यूज करने वाले थे, लाइक लिस्ट में कैसे, मान लिया एक आईडी है, एक पासवर्ड, आपने दो कॉलम बनाए यहाँ पे, मतलब दो वेरिएबल बनाए, दो वेरिएबल बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे यहाँ पे लिस्ट बनाओ, मैंने कहा माय लिस्ट इक्वल टू एमएमटी 1 2 3 4 कॉमा, बस ये आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से पे आपने क्या चीज डाली है, पासवर्ड आपका ठीक, ये हमारी एक लिस्ट बन गई, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो टाइप माय लिस्ट, लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है, लिस्ट बनेंगे तो टाइप का आ गया, अब अगर मैं यहाँ देखूँ माय लिस्ट तो यहाँ पे वैल्यूज में दिखाई दे, ओके, इसके अंदर लिस्ट के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू भी डाल सकते हैं, अच्छा, ऐसे करके डुप्लीकेट वैल्यू भी एक्सेप्ट करेगा, ओके, जो मैं बता रहा था ना टपल, टपल एक्सेप्ट नहीं करती डुप्लीकेट, इसमें एक्सेप्ट हो जाती है, प्लस ये चेंजेबल है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये माय लिस्ट है, यहाँ पे मैं कहता हूँ माय लिस्ट, अब पहले नहीं, पहले ये समझते हैं इसको एक्सेस कैसे करते हैं, वो चीज बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझते हैं एक्सेस कैसे, तो लिस्ट के अंदर क्या होता है ना, सारे आइटम्स जितने भी हैं वो सारे ऑर्डर्ड होते हैं, ऑर्डर्ड बाय इंडेक्स, तो अब जैसे मैं आपकी माय लिस्ट
और इसमें जीरो पास करूंगा तो ये पहली वाली लाइन अच्छा इसी तरीके से जब मैं वन करूंगा तो सेकंड वाली लाइन भी करूंगा ओके और इस जैसे स्लाइसिंग हम वहां पे कर रहे थे ऐसे स्लाइसिंग यहां पे मैंने जीरो कोलन टू कर दिया तो दो वन कर दिया यहाँ पे तो एक पहले निकल गया तो वैसे इन सब की जरूरत नहीं पड़ती जब जैसे जरूरत पड़ती है वैसे कर लेंगे तो हम यहाँ पे यही चीज देखते हैं पहले इस तरीके से पहली इंडेक्सिंग हो जाती है जैसे हम लिस्ट बनाते हैं अब जैसे यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग बना रहे वेरिएबल अलग अलग हमें यूज करना पड़ता है यहाँ पे एक ही वेरिएबल हम ये यूज करते हैं तो ये जीरो का जीरो वन के वन अब हम मैं क्या बता रहा था कि इसको चेंज चेंजेबल होती है चेंज कैसे करते हैं मैंने कहा माइनस जीरो इक्वल टू एम एम टी वन टू फाइव फाइव पहले क्या था वन टू थ्री फोर अब मैं इसको क्या कह रहा हूँ माइनस जीरो पे एम एम टी वन टू फाइव फाइव शुरू किया मैंने इसको एग्जीक्यूट किया एग्जीक्यूट करने के बाद माइनस चेंज नहीं हुआ हो गया ना 1255 हो गया 1234 से 1255 हो गया ना चेंज हो गया दिखा नहीं अच्छा जैसे हम ये हमने 73 वाला जो सेल है हमारा अगर इसमें हम माई लिस्ट लिख के उसको टाइप कराएंगे तो उसको हम प्रिंट के साथ टाइप कराना पड़ेगा ना नॉर्मल टाइप नहीं होगा नॉर्मल प्रिंट नहीं होगा नहीं मतलब कैसे यहाँ पे हाँ यहाँ अगर माई लिस्ट लिख देंगे तो क्या प्रिंट होगा नीचे हाँ हो जाएगा अच्छा ओके ये देखो अच्छा अच्छा लेकिन ये चीज यहीं पे काम करेगी माई लिस्ट ये यहाँ पे नीचे साथ के साथ आपको एक आउटपुट दिखा देगा लेकिन अगर आप इसी को आप कॉपी करके टेक्स्ट फाइल में वहाँ पे अगर आप आउटपुट देखना चाहते हो तो वहाँ पे आपको प्रिंट नहीं करना पड़ेगा अच्छा ओके आप भी लगाना पड़ेगा ये तो जस्ट यहाँ पे चेक करने के लिए ठीक है हाँ तो ये इस तरीके से मतलब इसको इसलिए इसको चेंजेबल बोलते हैं मैंने लिस्ट के पर्टिकुलर आइटम को चेंज में टपल पे बोल रहा है टपल में नॉन चेंजेबल होती है चेंज नहीं कर सकते ये आइटम फिक्स हो गया यहाँ पे ये फिक्स हो गया इसको चेंज नहीं कर सकते टपल में यहाँ पे कर सकते ओके इसी तरीके से हम इसके अंदर आइटम को ऐड कर सकते हैं इसमें वही फंक्शन होता है लेंथ ऑफ माय लिस्ट ये चेक करने के इसमें कितने आइटम मतलब इसमें कुछ कुछ सेम फंक्शन है जो हर चीज पे काम करता है इसके लेंथ स्ट्रिंग पे भी काम करता है लिस्ट पे भी काम करेगा और टपल पे भी करेगा और बुक पे भी काम करेगा ठीक है और ये जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग और लिस्ट बनाऊँ मैं एक स्ट्रिंग बना लिस्ट आइटम हमने चेंज कर दिया अब हम क्या कर सकते हैं जैसे पहले हमने लिस्ट बना ली थी अब हमें क्या करना है हमें आगे रिक्वायरमेंट बनी है कि इसमें आइटम और ऐड करने वही हो गए एक और करना तो आगे हम क्या करें माय लिस्ट इंसर्ट कर सकते हैं आइटम जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ 1255 दे रहा हूँ तो ये देखो मुझे तो इस तरीके से इंसर्ट भी दो बार एक्टिवेट हो गया तीन बार
चार पे करूंगा तो ये चार जीरो वन ए फाइव पे इस तरीके से मैं इंसर्ट भी कर सकता हूँ अपने आइटम। एक इसमें फंक्शन होता है जैसे इंसर्ट होता है वैसे होता है जो था अपेंड का। अच्छा अब इन दोनों में देखो डिफरेंस देखते हैं। अब यहाँ मैंने क्या किया मैंने पासवर्ड एबीसी टेक्स्ट के साथ दिया अपेंड करने के बाद तो देखो क्या होता है जब हम इंसर्ट करते हैं तो हमें इंडेक्स मतलब इंडेक्स की मदद से ठीक है हमने वन लिया था जैसे एक जीरो होगी तो वन लिया तो भाई यहाँ पे कर दिया था। लेकिन जब भी मैं अपेंड प्लेस ओके उसके अंदर अपेंड कर देगा बेसिकली। हाँ लास्ट में करते हैं लास्ट में करते हैं इंसर्ट में भी है एक पर्टिकुलर इंडेक्स में ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने ऐड किया है वो भी कर सकते हैं रिमूव करने के भी इसमें दो तीन तरीके हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं कहता हूँ रिमूव रिमूव एक आइटम को रिमूव करो आइटम डाल दो यूज फाइल फाइल ये टेक्स्ट का तो टेक्स्ट में डाल दो एक बार नीचे चेक करते हैं तो दो बार ओके तो इसने 1255 डिलीट कर दिया पहला वाला। हाँ मेरे ख्याल से तो पहला वाला जो पहले वाले अगर मैं यहीं पे इसको दोबारा चला लेता हूँ तो ये फिर से इसको डिलीट कर देता हूँ। 1255 सिर्फ दो ही बचे। हाँ अब इसी तरीके से इसमें एक मेथड होता है पॉप पॉप में हम इंडेक्स दे सकते हैं जैसे कि मुझे इस बार इंडेक्स दे 0 1 टैग्ड इंडेक्स का हम डिलीट कर तो अब इसमें एक ही बचा है तो इस सेकंड वाले की हमने वो निकाल दिया तो मतलब पॉप मेथड से हम क्या एक पर्टिकुलर इंडेक्स का जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं एक पर्टिकुलर इंडेक्स का इंसर्ट करते हैं वैसे एक पर्टिकुलर इंडेक्स का रिमूव कर सकते हैं। ठीक है एक फिर होता है पूरा पूरा लिस्ट को क्लियर करना ये पूरी पूरी लिस्ट को क्लियर करना है ठीक है एक भी आइटम उसके बाद हम इसमें लूपिंग कर सकते हैं अगर हमें अलग अलग आइटम या यूज करने हैं या उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन करना तो एक काम करते हैं ना हम एक नई लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे ना हम मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है तो जैसे कि मैंने माई लिस्ट लिया इक्वल टू यहाँ पे मैं आइटम करती हूँ 5 3 एक एक नया माई लिस्ट बन ठीक है। वैसे अभी लूप वगैरह तो हुआ नहीं है बट कोई नहीं तो अभी आगे भी करना पहले लिस्ट आ गया है 4 i n my list क्या तो ये क्या करें वन बाय वन आइटम पे जाए कि मैं क्या करूँ मल्टीपल तो वन मल्टीप्लाई बाय टू फाइव इज दैट 1 10 इसका आउटपुट आता है। ठीक है 1 2 2 होता
अभी हमने क्या चलाया है, अभी हम ठीक है या जैसे जैसे मैं हाँ तो उस केस में जहाँ पर हमने भी यूज़ कराना आने पड़ेगा तो फॉर आई इन यहाँ पे हम बनाएंगे क्या रेंज याद है मैंने रेंज बताया था अभी थोड़ी देर पहले हाँ रेंज में हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं या जीरो से स्टार्ट ना भी करें वो तो डिफॉल्ट ही रहेगा रेंज हमने दी थी लेंथ को माई लिस्ट वन तो यहाँ पे लूप कैसे काम करेगा लूप ऐसे काम करेगा फॉर आई मतलब स्टार्टिंग होगी जीरो से कहाँ तक लेंथ ऑफ माई लिस्ट उसकी लेंथ क्या है थ्री तो ठीक है चलेगा एक वो आगे तो अभी ये इंडेक्स पे काम करेगा क्योंकि हमने रेंज दिया है तो अच्छा। अब मैं क्या करूंगा प्रिंट मैं कराऊंगा प्रिंट आई लिस्ट वन ब्रैकेट में आई इसको ना एक काम करते हैं थोड़ा बड़ा वन वन थ्री फाइव थ्री फोर सिक्स फोर फाइव नाइन सेवन तो जैसे कि मुझे प्रिंट कराना है टू थ्री जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो हम बात कर रहे हैं जो इवन नंबर वो तो मैंने यहाँ कहा इफ आई मोड टू इक्वल टू जीरो अगर हो तो ही ये प्रिंट करें अदरवाइज नहीं ठीक है तो पहले मैं उसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ क्योंकि ठीक है अब तो वन थ्री सिक्सटी फोर तो ये इवन नंबर वाले आ गए ना सर नहीं फाइव और थ्री भी तो इवन ही होंगे कैसे फाइव मतलब इवन क्या अच्छा मतलब एक ओके इवन इसके साथ इंडेक्स के ये जीरो पे वन टू पे स्टोर है थ्री पे स्टोर है फोर पे स्टोर है फाइव पे स्टोर है सिक्स पे स्टोर है और सेवन पे ठीक है तो इवन क्या हुआ जीरो वन नहीं होगा टू होगा थ्री नहीं होगा फोर होगा हाँ इवन ठीक है ठीक है अगर आप वैल्यू की बात अच्छा इसमें क्या किया हमने ये जो एंड हमने एंड साइन लगाया परसेंटेज साइन लगाया एम परसेंट ओके और ये क्या करता है एम परसेंट जो है वो रिमाइंडर देता है डिवाइड करने पे तो जैसे अच्छा। कि 11 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 5.5 ठीक हां 11 कल डिवाइड का साइन लगा दें टू कितना आया फाइव फाइव और अगर मैं यहाँ पे मोड साइन लगाऊं तो यहाँ पे आएंगे क्यों फाइव टू ना टेन ये पूरा पूरा कट गया यहाँ से और बचे कितने टेन में से इलेवन में से माइनस ओके ऐसे काम करते हाँ इस तरीके से जो तुम वैल्यू की बात करो वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं माइनस वन की जो वैल्यू है उसमें यहाँ पे लगा मोड ऑफ टू इक्वल टू इक्वल टू जीरो तो बस ये वो वाली चीज यहाँ पे प्रिंट कर दो तो ऐसी वैल्यू से क्या है और डबल इक्वल टू क्यों लगाया हमने ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर
यहाँ मैं लिखा नहीं है जी। ओ यहाँ पर डबल इक्वल टू से क्या कंपेयर करेंगे सर? डबल इक्वल टू होता है कंपेयर क्या आई बोल आई को डिवाइड होकर के डिनोमिनेटर का बराबर है जीरो के, क्योंकि अगर अच्छा एक इक्वल टू लगाएंगे तो एक इक्वल टू का मतलब क्या था असाइनमेंट ऑपरेटर। हां ठीक है तो वो ठीक क्या है करना है यहां पे आई मोड टू इक्वल टू जीरो करेंगे तो हम जीरो की वैल्यू वो असाइन कर रहे हैं टू मोड टू को। हां बट हमें असाइन नहीं करानी, हमें चेक करनी है कंपेयर करने कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल टू। ठीक है तो इस तरीके से हम इटरेशन कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है अब टपल बताऊं, क्योंकि लिस्ट और टपल में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, हम ज्यादातर यूज लिस्ट ही करते हैं। तो टपल में ठीक है क्या है कि यहाँ पे रिमूव स्कोप वगैरह तो वो उसमें यूज नहीं करते। ठीक है जो हमने एम आई लिस्ट जीरो इक्वल टू एम एम टी 1255 किया था ये सब यूज नहीं कर सकते, बस एक बार जो लिस्ट बना ली वो एंटिटीज रहेगी लिस्ट और उसको हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं और लूप लगा सकते हैं, एक पर्टिकुलर आइटम पे जाना अपना फ्री भी चीजें कर सकते हैं, बस इतना ही करना है। ठीक है ठीक है तो रहना जी मदद चाहिए। ठीक नेक्स्ट सुन एक इसमें सेट भी होता है सेट, उसमें भी थोड़ा थोड़ा सेम ही है, उसको भी हम ज्यादा यूज करते नहीं है, उसमें अनऑर्डर्ड होता है अनचेंजेबल होता है, तो मतलब जो इस तरह की चीजें हैं वो जब बड़ी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस केस में हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट अभी के लिए हमें कोई रिक्वायरमेंट प्रोग्रामिंग तो उसे भी ऐसा एक लिस्ट के जैसे यूज करते हैं उसे भी। बिल्कुल बिल्कुल सेम ठीक है तो अपना 90 का एप्लीकेशन का और अब लिस्ट हो गया लिस्ट डिक्शनरी और एक होता है फिर वो जो आएगा हमारा लिस्ट डिक्शनरी और फिर क्या था वो डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम हमारा पांडा का पार्ट। तो सिर्फ अच्छा। इन चीजों से आप सारे प्रोग्रामिंग वगैरह जो भी आपकी प्रॉब्लम वगैरह वो सब सॉल्व हो जाएगी। तो लिस्ट अपना हो गया है, वैसे होता क्या क्या है, लिस्ट होता है टपल होता है सेट होता है एरेज का भी होता है और डिक्शनरी होता है, इसके अंदर तो यही चीज होती है। तो जो पांडास आप बोल रहे हो, पांडास क्या चीज होता है मतलब? ये नो ये तो वो एक लाइब्रेरी है, अभी हमने कुछ इंपोर्ट नहीं किया ना, तो जो पाइथन का यूज कर रहे हैं। अच्छा ओके ठीक तो है। अगर हमें डेटा फ्रेम यूज करना है तो हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट पांडास एस करके कोई भी नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, प्रोग्राम जैसे इंपोर्ट पांडास तब हम डेटा फ्रेम लाइब्रेरी का नाम होता है बेसिकली। हां और लाइब्रेरी खैर बड़ी लाइब्रेरी तो नहीं लेकिन छोटी लाइब्रेरी बनाने की सिखाऊंगा, बहुत इजी है, उससे क्या होता है ना अपना कोड जो है वो बहुत छोटा हो जाता है, वो वाली चीजें अच्छा। भी बताऊंगा। ठीक है अब देखो बात करते हैं डिक्शनरी क्या होता है। लिस्ट मैंने लिखा है यहाँ पे लिखा तो था ऊपर डिक्शनरी बोलते हैं कलेक्शन ऑफ कीज एंड वैल्यू, या इसको बोल सकते हैं पेयर ऑफ कीज एंड वैल्यू। डीबी वगैरह में इस तरीके की वैल्यू देखी होगी जैसे कि इस तरीके से होती है, यहाँ पे दिया हुआ है अपने कॉलन रवि
फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू होती है नेम टू कोलन, नया नाम आ गया बोल लेते हैं, जैसे कि नासिर नेम थ्री कोलन, इस तरीके की। तुमने आप डीबी वगैरह में वैल्यू नहीं देखी, दी हुई कई बार कई जगह पे फील्ड वगैरह में दिख जाए, हाँ वो कई बार ऐसे भी स्टोर होती है। ऐसे करके भी स्टोर हो सकती है, मतलब नेस्टेड में ये ऐसी प्रणाली हो सकती है। तो इसमें बोले ये हो गई कीज और ये हो गई उनकी वैल्यू, ये हो गई कीज ये हो गई इनकी वैल्यू। तो क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ कीज, ओके कीज, ओके ठीक है, मेरे को सुनाई नहीं देता वर्ड, समझ नहीं आया था, कीज ठीक है, कीज एंड वैल्यूज, ओके हाँ कीज हो गई, आइडेंटिफायर हो गया एक तरीके, ठीक है कीज वैल्यू, कीज वैल्यू तरीके से कॉम्बिनेशन बनते हैं, ओके। अब इसमें होता क्या है, एक तरीके से जैसे लिस्ट, लिस्ट जो थी हमारी वो थी वन डायमेंशनल, लेकिन जो डिक्शनरी हो गई वो एक तरीके से मल्टी डायमेंशनल हो सकते हैं। क्योंकि लिस्ट में हम सिर्फ एक ही तरीके से वैल्यू डाल पा रहे थे, इसके अंदर में दो तरीके से लिस्ट और एक वैल्यू, तो एक तरीके से जैसे टेबल हो गई, तो जैसे टेबल के अंदर डेटा होता है अब आप इस तरीके से लिख सकते हैं नेम रवि, नेम टू इस तरीके से, तो दो टू डायमेंशनल हो गए ना इस तरीके से, एक ये वैल्यू आ रही है एक ये वैल्यू आ रही है, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल और भी इसको मल्टीपल लेवल पे। अब इसको एक्सेस करने का तरीका सबसे पहले देख लेते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या होता है। बनाने का तरीका ये है, बोल दिया by equal to तो ये इस तरीके से देता है, इसको एक्सेस करते हैं और इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। वैसे ये चीज बनाने की जरूरत पड़ती नहीं, इस प्रकार का करीब पहले से हमें डेटा मिल रहा होगा, डेटा को कंट्रैक्ट करने के ठीक है यूज करने के हिसाब से। मुझे एक मिनट देना, मोबाइल बिल्कुल हो गया कुछ और निकाल लेता हूँ। हेलो हाँ जी शैलेंद्र है, पता नहीं मैं तो हाँ भाई हूँ यहीं पे हूँ मैं, कुछ आवाज आवाज नहीं आ रही ना तो पता नहीं चल रहा, इसलिए पता नहीं चल रहा समझ में आ रहा। हाँ 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 बोल कर रहा हूँ, बीच में पता ही नहीं चल पा रहा, पीछे से नींद के झोंके ले लिए पता ना चले, सो गया था मैं। सो गए थे? नहीं क्योंकि मेरे को ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, मैंने बुक वगैरह पढ़ी थी पहले, फिर धीरे धीरे इसको अप्लाई करना शुरू किया तो मेरे को तो बहुत मज़ा आया, और उसके बाद जब चीज़ें आपके काम को हेल्प करने में
मदद कर रही हूँ तो और भी ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल अब जैसे हम इसकी कोई वैल्यू को अगर पिक करें तो वैल्यू पिक होगी हमेशा, जैसे कि मुझे पिक करना है ए, तो नेम क्या आ गया रवि। इसी तरीके से मतलब मैं कीज पे वैल्यू पिक कर रहा हूँ और रूम टू पिक करूंगा तो ये आएगा नॉट देयर, थ्री पिक कर लिया तो थर्ड वन जाएगा। इसी में हमें लूपिंग वगैरह करनी हो तो जैसे कि अभी क्या हमने पिक किया, अभी हमने पिक किया है की के बेसिस पे वैल्यू, कई बार हमें जरूरत पड़ती है। एक बार मैं इसकी ट्राई करके देखता हूँ इसका मैं, अगर मैं यहाँ पे करती हूँ तो क्या होगा। हाँ तो इसके अंदर की इसको नहीं देंगे, की के बेसिस पे ही हम वैल्यू फाइंड करेंगे, एक ठीक बार है। हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज उठानी है या दोनों आइटम उठाने हैं तो वो किस तरीके से पिक कर सकता है, वो पिक कर सकता है। कीज पिक करेंगे तो एक कीज की वैल्यू होगा, कोई बिजनेस कर रहा है, नौकरी है ही ना सर, कुछ कुछ नहीं है। वैल्यू पिक करेंगे तो वैल्यू पिक कर देगा, ठीक है। एक चीज होती है इसमें आइटम, ये पूरे पूरे आइटम पिक कर देगा ओके और एक चीज और ट्राई करता हूँ, माइट पिक डॉट आइटम और यहाँ पे इट तो इस तरीके से हम इसको पिक कर सकते हैं। अब जैसे ये आइटम्स हमने यहाँ पिक किए हैं, इसके अंदर से कोई वैल्यू उठा सकते हैं तो वो भी पिक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको सुन रहे हैं तो एक तरीके से जब हम प्रिंट आई कर रहे हैं तो ये क्या पिक करके दे रहा है, अगर हम इसके यहाँ रन करते हैं तो आई के अंदर फर्स्ट वाली वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है, जैसे आई यहाँ पे उसने प्रिंट किया था तो एक तरीके से ये क्या बन गया, ये एक तरीके से लिस्ट बन गया। अब इस लिस्ट के पहले आइटम को पिक करना है तो मैं जीरो डाल सकते हैं। एक तरीके से मैं कह रहा हूँ कि एक लिस्ट बन गया, इस तरीके से अंदर का पहला आइटम ये लिस्ट बन गया, लिस्ट के अंदर का पहला आइटम होगा तो जीरो और दूसरा आइटम होगा वन। अगर हम जीरो पिक करना चाहते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये नेम नेम टू नेम की पिक करता है, और अगर हम पहला आइटम पिक करना चाहते हैं तो पहला आइटम पिक करेंगे तो ये पहला आइटम। एक तरीके से वो बोल गया, इस तरीके से भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है।
तो ये तो हो गई बात डिक्शनरी। अब हम बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। जब भी हमें कोई लॉजिक टेस्ट करना है उस केस में हम इफ एल्स स्टेटमेंट जिनको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इफ अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन को हम याद रखते हैं ना, एक्स इक्वल टू 5000, इफ एक्स की वैल्यू लेस देन 2000 है, हम याद देते हैं प्रिंट लेस देन। अब मान लो और भी कंडीशन दे दी, अगर कोई कंडीशन दे दी तो एक ही एक स्टेटमेंट पूरा हो गया, लेकिन और भी देनी है तो आप यहाँ पे एल्स पार्ट में दे सकते हो। अगर ये है ठीक, ये नहीं है तो यहाँ पे मैं दे दूंगा उसको लेस देन की जगह ग्रेटर देन। तो ये एक कंडीशन बन गई है ग्रेटर देन, लेकिन मुझे और भी कंडीशन दे दिया था मल्टीपल, तो उसको मैं दे सकता हूँ यहाँ पे एल्स। एल्स इफ का ये एक तरीके से सही है वो रिस्पॉन्स, जब हम एल्स इफ लगा रहे हैं इस कंडीशन के लिए एक और कंडीशन पर नजर डालते हैं, इफ एक्स इज लेस देन 2000 है या करके ग्रेटर देन 2000 है एंड एक्स इज लेस देन 4000, तो यहां आ जाएगा ग्रेटर देन 2 के एंड अब यहाँ पे फिर से हम else part में वही वाली condition देते हैं। इसी तरीके से if else 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 condition लगा सकते हैं, if और else के खत्म करने के लिए इसके खत्म करने पर हम इस तरह में ये इसका वो syntax, और तुमने पहले भी देखा होगा if भी for loop if condition एक बार दोबारा ये सेम चीज। पहले इसको सुन लीजिए, हाँ इफ एल्स अब इसके अंदर एल्स के पार्ट जितने मर्जी उतने लगा सकते हैं, ठीक है एल्स पार्ट है तो लगाओ नहीं तो कोई जरूरत छोड़ दोगे डिफॉल्ट दो भी एल्स हो जाएगा ना वो तो नहीं लगाओगे तभी आएगा। हाँ डिफॉल्ट ठीक है, एक तरीके से एल्स लगा लिया तो बाकी को बचा हुआ जो है कंडीशन 2000 2000 4000 ठीक है, और बाकी यहाँ पे बाकी इसमें चला जाएगा। हाँ बाकी इसमें चला जाएगा और बेटर केस कितना है, और कर लो एलिस ओनली फोर लगा, ठीक है ठीक है। दूसरा मैं ये बता रहा था, जैसे यहाँ पे मैंने फोर लूप किया, यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है एलिस या एल्स या फिर एक मैंने मैच लूप कर लिया, तो जहाँ पे भी इस तरीके की चीज हो रही है और मैं कूलर देता हूँ ना यहाँ इसके अंदर इसका सिंटेक्स क्या होगा, जो इंडियन पर्सन वाली चीज स्टार्टिंग में लगा कोलन दो गए स्टूडेंट से हो गया है अंदर, देख रहे हो ये पर्सन को कहां पे, ओके ओके, लेकिन किसी वजह से मैंने यहां पे नहीं लगाया मैं इसके अंदर था कंटिन्यू। अच्छा अच्छा ओके ओके, ये जी बोल रहा है इंडियन पर्सन, ठीक है ठीक है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है हम लगा के भूल जाते हैं, इसके अंदर ये करते हैं इसके अंदर लेकिन इसके अंदर नहीं तो गलत नहीं आता। ठीक, अब समझते हैं फॉर लूप। लूप क्या होता है, लूप होता है किसी में इटरेशन करने के लिए, जैसे कि काउंटिंग एक भी है तो किसी एक पर्टिकुलर आइटम है
उसके अंदर हमें इटरेट करना है कि वैल्यूज या कीज को रीड करना है, तो उस केस में हम यूज करते हैं। तो अब फॉर लूप हम दो तरीके से यूज करते हैं, फॉर एक कोई वेरिएबल जो कि इटरेट करेगा इन, अब जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई माई डिक्ट की जगह हम इसको लिस्ट पे ले लेंगे। माई लिस्ट वन, माई लिस्ट माई लिस्ट वन कॉलन एंटर प्रिंट आई, तो ये क्या करेगा, माई लिस्ट वन की जो नहीं प्रिंट आई नहीं करेगा, ये सिर्फ इंडेक्स प्रिंट करेगा, वैल्यू भी प्रिंट। नहीं वैल्यू ही प्रिंट कर रहा है, इंडेक्स पे नहीं चला रहा। तो ये क्या करना है, तो आई जो है स्टार्टिंग होगा इसके पहले आई का, स्टार्ट हो गया एंड तक जाएगा, पहले आई का पहला आई का फर्स्ट टाइम आई के आई जो चलेगा माई लिस्ट के पहले आइटम पर। तो जैसे पहला आइटम मिल जाएगा इस तरीके से वन बाय वन सारे ठीक है। अब एक होता है तो रेंज के बेसिस पे, लाइक हमने लिख लिया काउंट बेसिक से 1 to 100 ही काउंटिंग करनी है। कैसे करेंगे, तो मैंने एक चीज बताई आपको, तो रेंज रेंज मैंने कहा 100 प्रिंट आई, ये क्या करेगा आपको, ये काउंटिंग और हमेशा देखना जब भी हम रेंज 1 to 100 भी है तो 99 तक दिया है इसने। हाँ भाई मैं बता रहा हूँ, अच्छा हमेशा देखना जब भी हम ये वाला नंबर देते हैं -1 तक चलते हैं हमेशा। अगर 100 तक चलाना है या तो इसको 101 दो, या फिर जो भी वैल्यू आप यहाँ दे रहे हो उसको +1 दे। तो दो तरीके से लूप होते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर के आइटम को पिक करना है, और एक होता है रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज पे चलाना है। अब वो रेंज नॉर्मल भी हो सकती है, माई लिस्ट यहाँ पर यहाँ पे हम लेंथ लगा सकते हैं, लेंथ ऑफ माई लिस्ट तो 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर माई लिस्ट के सारे टेक्स्ट या जो भी आइटम चाहिए हमें वो आ जाते हैं, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और इसमें तुमने देखा होगा इसमें कभी कभी हमें स्टेप भी करना होता है, अच्छा जैसे कि मतलब हम क्या करें, एक से स्टार्ट करते हैं, दो छोड़ देते हैं, तो 1 3 5 7 8 9 ठीक तो बोलते हैं स्टेप। अच्छा कैसे किया ये, एक बार की नवी बस यहाँ पे नॉर्मल ये लूप है। हाँ ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल लूप है, आपको कोई स्टेपिंग देनी है तो कोमा करके वो दे दो, वो दे अच्छा कितने का इंटरवल जो देना है ना। हाँ अच्छा ये इसको 2 बार लिख देता हूँ। ऊपर वाले नहीं करा रहे। हाँ कई बार हमारा काम जो है फॉर लूप से नहीं चलता, हमें रिक्वायरमेंट होती है व्हाइल लूप, अच्छा तो उस केस में हमें व्हाइल लूप यूज करना पड़ता है। दोनों चीजें सेम है, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन मिल जाती है हमें कि वहां पर फॉर लूप काम नहीं करता, जैसे कि फॉर लूप काम कर रहा है तो या तो एक पर्टिकुलर लिस्ट वन नंबर लेकिन मुझे सिर्फ ये क्या एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, जैसे कि मान लो ये मेरी काउंटिंग हो रही है 1 से लेके 97, मैं कह रहा हूँ उसको
50 नंबर जैसे ही मिल जाए तो ये स्टॉप हो जाए लूप, नहीं तो अब यहाँ पे तो होगा नहीं। तो अब उसको हम चेक कर सकते हैं ऐसे, वाई आई इक्वल टू 50, के लिए ना प्रॉपर वो बनाना पड़ेगा। तो पहले व्हाइल का सिंटेक्स करा दो। व्हाइल सिंटेक्स कैसे, हम तो व्हाइल कोई कंडीशन है वो जब तक ट्रू है तो तब तक यहाँ पे कोई भी हम स्टेटमेंट दे रहे हैं वो काम करता है। अगर मैंने ये लूप लगा भी चला दिया ना तो ये लूप कभी स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि अच्छा कंडीशन मैंने ट्रू लगाई है। ट्रू जैसे ही चलता रहेगा ये हमेशा के लिए चलता रहेगा, लाइफ टाइम अनलिमिटेड लूप हो गया, इनफाइनाइट। तो इसमें बस थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है जब भी व्हाइल लूप लगाए। तो अब मान लो हमने कोई कंडीशन दी, हमने कहा यहाँ पे एक्स इक्वल टू फॉल्स, फिर मैंने कहा व्हाइल एक्स इफ एक्स इक्वल टू 50, तो मैं क्या कहूंगा एक्स इक्वल टू 50 है तो एक्स के अंदर पास कर दो, मैं यहाँ पे मुझे एक्स देना चाहिए ट्रू, यहाँ पे मुझे देना चाहिए फॉल्स। अब यहाँ मैं करूंगा प्रिंट नंबर फाउंड, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ वो क्या है। मैंने एक वेरिएबल दिया एक्स के अंदर पास किया बूलियन वैल्यू ट्रू, जब तक एक्स की वैल्यू ट्रू है तो एक्स की वैल्यू फॉल्स कहाँ पे होगी, यहाँ पे। जब तक एक्स की वैल्यू ट्रू है तो एक्स एक्स के साथ साथ यहाँ पे एक वेरिएबल हो लेते हैं आई, क्योंकि एक्स में तो पहले से वैल्यू हमने डाल दी, एक्स में हम न्यूमेरिक वैल्यू डालेंगे। आई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2, वाई एक्स, जब तक एक्स की वैल्यू ट्रू है तब तक ये लूप चलता रहे, तो जैसे ही एक्स की वैल्यू फॉल्स हो जाए ये लूप फिर नहीं चलेगा, एग्जिट करता है। और आई की वैल्यू मैंने 0 दी, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ आई इक्वल टू 50, जब पहले बार चलेगा तो आई की वैल्यू 50 नहीं है, नहीं है तो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा आई प्लस इक्वल टू 1। अच्छा सेकेंड टाइम अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको लिखने का तरीका ये वाला जो है ना, इसको शॉर्टकट लिखते हैं अच्छा आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो पहले 0 थी आई की वैल्यू, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा आई के अंदर 1 आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम चलेगा तो 1 आएगा। अब यहाँ पे फिर से चेक करेंगे 1 इक्वल टू 1 तो 50 फिर चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही 50वें नंबर पे आएगा आई इक्वल टू कर दो 50 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, प्रिंट नंबर फॉर्म, अदरवाइज तब तक ये नंबर फॉर्म नहीं होगा। देखो अच्छा, इसको यहाँ पे एक आई की वैल्यू ये तो पता ही नहीं चला। देखो 0 1 2 3 ये चल रहा है, और जैसे 50 नंबर आया नंबर फॉर्म हो गया, और ये इससे आगे तो नहीं चला। इस तरीके से पर्टिकुलर कंडीशन पे अगर हमें लूप पर्टिकुलर कंडीशन तक चलाना है उसके बाद नहीं चलाना है तो उसको हम फोर्स करते हैं। ऐसा ही मेरा भी एक प्रोजेक्ट था छोटा सा, मैंने अपने लिए बनाया था, तो उसमें व्हाइल का यूज किया था। जब तक मतलब ये हम कैसे व्हाइल, जब तक ये वाली वैल्यू एक्स हमने दे दिया था, तो मतलब हम कह रहे हैं एक्स जब तक ट्रू ना हो
ठीक जब तक है। प्रूव हो, मतलब भाई लैब जब तक प्रूव है, जब तक चलता रहे अगर भाई ये एग्जिट। तो इस तरीके से व्हाइल लूप यूज किया। अब व्हाइल का काम फॉर लूप नहीं कर सकता, फॉर का काम व्हाइल ही कर सकता। कुछ कुछ चीजें हैं जहाँ पे दोनों चल, लेकिन हर जगह दोनों नहीं चलते। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट होता है फंक्शन बनाना। फंक्शन बनाना भी बहुत जरूरी है। अब क्या होता है, मान लीजिए आपको यही वाली न्यूमेरिक जो मतलब मार्केटिंग है ये प्रिंट करना है, तुमने एक कोड लिखा है उस कोड में तुम्हें 10 बार यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उसको कोड को थोड़ा छोटा करने के लिए हम ना उसका फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन से क्या होगा, एक बार फंक्शन लिखेंगे तो उसको बार बार यूज कर पाएंगे, या काउंटिंग को छोड़ देते हैं, या फिर हम ये जो हम यहाँ बना देते हैं। इसको बनाते हैं, हमें बकेटिंग करनी होती है कई बार। बकेटिंग करने के लिए हमें लूप करना पड़ता है। बैक कीवर्ड से फंक्शन बनाते हैं, हम कोई भी फंक्शन का नाम रख देते हैं, पीकेटी हमने दे दिया, पीकेटी पहले से कीवर्ड को यूज हो रहा है तो हम यहाँ देंगे, पूरा पूरा लिख देते हैं पी यू पी के ई टी, ये भी कोई फंक्शन है बकेट। अरे ये ब्लू क्यों आ रहा है, चलो छोड़ो देखते हैं आगे। और मैंने यहाँ पे किया एक मैंने वेरिएबल यहाँ पे ले लिया, कुछ टेलो पी ले लिया, एक्स ले लिया, मतलब मैं एक आर्गुमेंट ले रहा हूँ या एक्स ही ले लेते हैं, एक्स यूज भी हो रहा है ना बार बार, नहीं तो चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा माय बकेट एक्स को पास करा दिया, इफ एक्स की वैल्यू लेस देन 2000 है तो मैं यहाँ पे कह दूंगा मैंने कह दिया लेस देन के, ठीक। एल्स इफ मैंने कहा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 4 है, मैंने यहाँ कह दिया 4K नहीं 2K टू 4K, और उसके बाद मैंने यहाँ पे else में कह दिया greater than 4K। मान लो तीन ही बकेट बना लिए, एक फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को हमें क्या करना है, इस फंक्शन को हमें यहाँ पे यूज करना है, एग्जीक्यूट करना है। मैं बोलता हूँ my bucket, मैंने इसको दिया 50। तो ये कैसे काम करेगा, माय बकेट फंक्शन यहाँ पे है 50,000 की वैल्यू, 5,000 50,000 की वैल्यू यहाँ पे एक्स में इसको रिसीव होगी। रिसीव होने के बाद ये चेक करेगा कि एक्स लेस देन 2000 है, लेस देन 2000 है तो ये वाली वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगा जो कि इसमें आ गया माय बकेट। नहीं है तो सेकंड वाली रिटर्न करेगा, वो भी नहीं है तो एक बार रन करके देखो तो ग्रेटर देन 4 के आ गया। इसी तरीके से लंबी बकेट बना, ये नीचे 5000 हमने 50,000 दिया वो क्या है, वो क्या दिया है, सॉरी क्या नीचे 50,000 जो दिया है हमने बकेट में वैल्यू, वही मैं कह रहा हूं ना, ये यहां पे चेक किसको करेगा, एक्स एक्स को क्या चेक करेगा, एक्स तो आई नहीं रहा यहां पे, एक्स में क्या, अगर मैं यहीं पे एक वैल्यू दे दूंगा एक्स की जगह पे, यहाँ मैंने एक्स दे दिया और मैं क्या कह दिया एक्स इक्वल टू 5,000 या 50,000, ये तो फिक्स हो गया ना फिर। मैं जब भी माय बकेट को रन करूंगा तो ये हमेशा क्या देगा, ये ग्रेटर देन 4K प्लस तो लाएगा। क्या हो गया, चल मैं जब भी माय बकेट को रन करूंगा हमेशा 4K देगा हमेशा, ये डायनामिक नहीं हुआ ना,
डायनामिक करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पे फिक्स नहीं की, मैंने इसको हाँ कहा यहाँ से तुम एक्स की वैल्यू दो, अगर आप इसको रन करोगे माई बकेट एक्स तो ये रन नहीं होगा, एरर बोलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको पैरामीटर नहीं दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको पास करता हूँ 2000, तो ये 2000 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे एक्स में रिसीव होगा, और एक्स में फिर यहाँ पे ये चेक करेगा। तो अब इसको एक बार रन करते हैं यहाँ पे, ये क्या रिटर्न, ये देखो ग्रेटर देन 4 के अभी भी, नहीं वो माय बकेट के लिए एक्स लिखना होगा ना लास्ट में, नहीं एक्स तो है यहाँ पे, नहीं नीचे कोड के लास्ट में माय बकेट 2000 लिखा है, नहीं नहीं हम यहाँ 2000 दे रहे हैं ना, तो ये 2000 रिसीव होगा एक्स में ही जाएगा, इसको ऐसे समझते हैं। देखो पहले ना इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, डेफिनेशन है वो सही से, लेस देन 2000 है, अच्छा ग्रेटर देन 2000 देन एक्स लेस देन क्या आ रहा है, इसके अंदर आना चाहिए, इसके अंदर नहीं आया, कोई नहीं देखते, हो सकता है वो एग्जीक्यूट ही ना हो। देखो इसको ऐसे दो y इक्वल टू 500, इसको ऐसे दो, अच्छा या इसको ऐसे दो, बात एक ही है। अच्छा अच्छा ओके, यहाँ 800 की जगह मैं देता हूँ इसको 2100, 2K to 4K। तो ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, माई बकेट के अंदर हम ये जो भी वैल्यू दे रहे हैं ना वो इसको रिसीव हो रही है। अच्छा और तुम्हें याद है जैसे हम रिप्लेस करते थे, रिप्लेस रिप्लेस में हम यहाँ क्या देते थे, जो फाइंड करना है उसके बाद उसकी जगह पे क्या ले गया, तो ये कैसे काम कर रहा है, ये ऐसे ही काम कर रहा है, यहाँ पे जो है हम यहाँ पे एक्स दो वेरिएबल रिसीव कर रहे होंगे, और उसके बाद रिप्लेस के फंक्शन के अंदर ये सारी चीजें कुछ कोड लिखा हुआ होगा जो कि वो रिप्लेस करके रिटर्न करता होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम कर सकता है। अब जैसे ये मैंने दिया, ये तो बकेट बनानी हो गई, मान लिया मुझे पावर निकालनी, एक फंक्शन और बना लेता हूँ, मैंने कहा पावर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको कुछ बोलते हैं, जैसे 2 की पावर 8 निकालनी होती है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या वो आता है रूट स्क्वायर, ऐसे ही तो बोलते हैं 10 to the power, नहीं रूट स्क्वायर बोलते हैं ना, चलो रूट स्क्वायर नाम दे देते हैं। मैंने कहा एक्स वाई, अब रूट स्क्वायर क्या होता है, आपको यहाँ पे दो वैल्यू पास करनी है ठीक, और फिर ये क्या करेगा सिस्टम, तो एक्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाई ये कर देगा रिटर्न आपको, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा फंक्शन है। अब देखो इसको, इसको एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ ताकि डेफिनेशन सेव हो जाए। अब मैंने कहा रूट एस क्यूब ब्रैकेट में बोला 2 की पावर 8, तो ये कैसे काम करेगा, 2 जाएगा एक्स में, वाई में जाएगा 8, तो देखो 256 होता है। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करके देखूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आठ बार हो गया ना, ये 256 आ गया। तो इस तरीके से फंक्शन बनाते हैं हम। अब इसके अंदर फंक्शन के अंदर भी कई सारी चीजें होती हैं। अब जैसे हमने ये बनाया, अब इसी के अंदर या फिर छोटा फंक्शन के अंदर कई बार होता है ना, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो डिफॉल्ट वैल्यू लेते हैं, अगर आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो ना तो वो खुद से वैल्यू ले लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट, डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। तो हम यहाँ उसको बोलते हैं x = 0, तो हमने क्या किया ना, हमने पहले ही वैल्यू दे दी x = 0,
हमने पहले वैल्यू दे दी टू, और इसको रूट स्क्वायर न्यू बोल देते हैं वन, या वाई की जगह वाई इक्वल टू भी हम दे देते हैं। तो ये हो गया अपना न्यू रूट स्क्वायर वन। देखो ये कैसे काम करेगा, मैं कुछ भी नहीं दे रहा यहाँ, पहले मैंने दिया था 28, मैं कुछ भी नहीं दे रहा, बताओ एग्जीक्यूट होगा नहीं। चार दे दिया इसने। अब क्या हुआ है, जब मैंने x इक्वल टू टू y इक्वल टू टू दे दिया ना, तो ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू बन गई। जब आप यहाँ से कुछ भी नहीं दोगे ना, तो ये इस पे अपना ऑपरेशन करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे दे दोगे 2.8, तो जो आपकी नई वाली वैल्यू है ये उस पे ऑपरेशन करेगा। 2.8 पे 256 आएगा। देखो सेम फंक्शन है लेकिन दो तरीके से काम कर रहा है। वैल्यू आप दे रहे हो तो उस पर काम कर रहा है, नहीं दे रहे हो तो डिफॉल्ट। इस तरीके से हम डिफॉल्ट पैरामीटर भी बना सकते हैं। अच्छा इसमें भी बहुत सारी चीजें आगे यूज करते हैं, पर मैं अभी के लिए फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूं। फंक्शन का नाम ऐसे ही होना चाहिए, और वेरिएबल का नाम लेते हैं अंडरस्कोर स्टार्टिंग में नंबर में आएंगे, कोई स्पेसिफिक। फंक्शन हम विद पैरामीटर भी बना सकते हैं, विदाउट पैरामीटर। फंक्शन के अंदर हम डिफॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं, और पैरामीटर कितने भी हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8 बस जो भी चाहिए। उसके बाद ये जो होती है इसकी डेफिनेशन होती है फंक्शन की, और उसके अंदर एक कीवर्ड होता है रिटर्न, कि आपको कुछ रिटर्न कराना है इस फंक्शन से। रिटर्न कराओगे तो आप ये आएगा, जैसे यहाँ 256 आएगा, हमने यहाँ पे रिटर्न कराया तभी आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, रिटर्न की जगह हम यहाँ कहते थे प्रिंट, देखो ये क्या काम करता है, ये भी थोड़ा समझ लो अच्छी चीज है। ये एग्जीक्यूट कर दिया मैंने, ये एग्जीक्यूट कर दिया, आंसर वही आ रहा है। हेलो हाँ, लेकिन अगर इसमें कोई ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन वही अगर मैं यहाँ पे इसको रिटर्न करा रहा था, तो रिटर्न कराने के केस में मतलब इसको मैं एज ए वैल्यू यूज कर सकता हूँ। जहाँ पे मैंने ये 256 आ रहा था, ये वाला जो मेरे को वैल्यू देगा ये 256 देगा, 256 में मैं मल्टीप्लाई बाय 2 और कर सकता हूँ। ये एग्जीक्यूट होगा 512 आ गया। तो ये फर्क होता है रिटर्न में और विदाउट रिटर्न में। तो जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से रिटर्न कराएंगे तो उसमें ऐसा वैल्यू सेव कर लेगा, तो हम चेंज कर सकते हैं। रिटर्न कराएंगे तो ये जो रूट स्क्वायर है ये रिटर्न करके देगा हमें एक वैल्यू। रिटर्न नहीं कराएंगे, जो भी हम इसमें काम कराएंगे वो सिर्फ यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे होता है ना रिटर्न कराना जरूरी है, रिटर्न करा के हम ना उसे मल्टीपल जगह पे यूज कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमने प्रिंट करा दिया, प्रिंट कराने के बाद हम उसको स्टोर नहीं कर सकते किसी भी चीज में। ठीक है, उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे करते हैं एंड। ठीक है, इसकी वीडियो आप शेयर कर देना। शेयर कैसे करेंगे वीडियो? शेयर मैं अपने YouTube पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख लेना। मेल पे जाएगी नहीं ना, काफी बड़ी हो जाती होगी ना। काफी बड़ी हो जाती है और ये HD में बनती है तो GB में पहुंचेगी। नहीं, शेयर ड्राइव से हम पिक नहीं कर, वहां रख के पिक नहीं कर सकते कहीं से? शेयर ड्राइव में पिक करोगे तब भी आपका उतना इंटरनेट जाएगा, और मेरा वो YouTube से डाउनलोड हो जाती है वीडियो, YouTube से अलग से डाउनलोड हो जाती है वीडियो। हां, अपने उस पे सेव कर लेना ना, डाउनलोड करके उसमें YouTube में YouTube में अंदर ही सेव हो गया, डाउनलोड हो जाती है, फिर ऑफलाइन देख सकते हैं ना, वो ऑनलाइन हो जाएगा ना। हां ठीक है बॉस, और किस नाम से सेव करेंगे आप इसे? मैं वो सब डिटेल बता दे यार अभी भाई, और ये वाला जो कोड का जो हमने बनाई है ना फाइल, वो भी भेज दूंगा। अच्छा, जुपिटर वाली? हां
ठीक है रबी भाई, एंड सेकंड अपना अकाउंट डिटेल मुझे दे देना तो मैं आपको पैसे भी ट्रांसफर कर दूंगा। जो मेरा नंबर है ना 8802838324 उसी पे ही है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कुछ भी ठीक है गूगल पे ही कर दूंगा, जिससे व्हाट्सएप पे है ना सेम ना?